हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप और आज हम बात करने वाले हैं हेडफोन्स के बारे में। सो हेडफोन्स ये है सोनी का स्टीरियो हेडसेट है, वायरलेस ब्लूटूथ। सो CH 510 है ये, और मैं आपको बता दूं कि ये हमने लिया है 2990 में, लॉन्च हुआ था 4990 में, यही रेट चल रहा है इसका, 3-3.5 हज़ार में मिल जा रहा है, ये देख लीजिए। सो देखने में बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है, इसका साइज़ भी ठीक है, प्लास्टिक की है। अब देखो, मैं रिव्यू यहाँ पे उस तरह का जो अनबॉक्सिंग वगैरह वो सारी चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएंगी बहुत सारी। मैं आपको यहाँ पे वो बताने वाला हूँ जो शायद कोई ना बताए। सो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे कि मैं इसे लेने गया था, इसे नहीं लेने गया था एक्चुअली, मैं अपने लिए एक ईयरफोन्स लेने गया था, जहाँ पे मेरे साथ में मेरे एक मित्र गए थे और उन्होंने एक हेडफोन लेना था। और जनरली बंदा कहता है यार कि हाँ भाई तेरे को ज़्यादा पता है तो मेरे को एक बता दे, सजेस्ट कर दे। सो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली अगर हमसे कोई पूछता हम सजेस्ट कर देते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम सामने वाला हमारे डिसीजन पे कुछ ले, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और ज़्यादा लोग यही करते हैं, दे एंड अप विद समबडी एल्सेस डिसीजन। सो यहाँ पे क्या है कि मैं आपको जो कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैंने सोनी का लिया तो उन्होंने देख के सोनी का ले लिया, हालांकि वो कुछ और टेस्ट कर रहे थे, दूसरे ब्रांड्स का सुन रहे थे, क्योंकि सुन के लो वो ज़्यादा बेटर है। सो मॉल के अंदर में बेनिफिट मिलता है कि आप जाके सुन करके ले सकते हैं, तो उनको म्यूज़िक की क्वालिटी अच्छी लग रही थी, दूसरी कंपनी के भी और भी जो सुन रहे थे ब्रांड्स, बट जैसे ही देखा कि सोनी, यार ये सोनी सुन रहा है तो मतलब सोनी लेने वाला है। सो एक तो पहले से ही माइंड में बैकअप बिल्ड होता है कि यार ब्रांड है सोनी, ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी है, अच्छा साउंड है वो, नो डाउट, देन अच्छा सामने वाला भी ले रहा है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है कि एक ना क्या कहते हैं कि मैंने इन्फ्लुएंस नहीं किया, बंदा खुद ही जो है यू नो दूसरे को देख करके वाली चीज़ हो गई। लेकिन नो डाउट मुझसे पूछा गया कि ये कैसा है म्यूज़िक में, नो डाउट म्यूज़िक के हिसाब से इट इज़ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जहाँ बात आती है कॉलिंग की, सो कॉलिंग के लिए जो चीज़ें इसमें नहीं है वो ये है कि इसमें नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर सामने वाले को कॉलिंग की भी रिक्वायरमेंट होती तो उसका, तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ म्यूज़िक के लिए ये, आप अगर आप इसे लेते हो इस हेडसेट को या इस तरह के जो हेडसेट्स हैं जिसमें नॉइज़ कैंसलेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे आप सिर्फ म्यूज़िक के लिए लेते हो तो बढ़िया है, लेकिन कॉलिंग का सिर्फ एक ऑप्शन होता है, इसमें कॉलिंग का फीचर है, ऐसा नहीं है कि इसमें कॉलिंग का फीचर नहीं है, बट वो कॉलिंग का एक फ़ीचर सिर्फ एक ऑप्शन है, यानी कि म्यूज़िक सुनते सुनते अगर आपको यू नो एक दो मिनट की बात होगी तो ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो कि यार एक दो घंटा बात करूँगा, 3-4 घंटा बात करूँगा, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप इरिटेट हो जाओगे, वो इसलिए क्योंकि इसमें नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, इसका माइक जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, वो आसपास की जो आपकी सराउंडिंग्स है, जो आपकी खुद की आवाज़ है वो तक इसमें आपको सुनाई देगी वापस, यानी कि इको होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि इसमें नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है। और यही रीज़न है कि प्राइस वहाँ से यहाँ पे आ रहा है। सो ये डिस्काउंट सेल जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि फिर उस हिसाब से इसकी उतनी सेल भी नहीं हुई है, रीज़न यही रहा है, क्योंकि इस रेंज में जो 5,000-4,000 इस रेंज में जो और ब्रांड्स के आते हैं वहाँ पे आपको एटलीस्ट नॉइज़ कैंसलेशन मिल जाता है। हालांकि इस तरह के जो हेडफोन्स ब्लूटूथ या नेक बैंड्स या जितने भी इन ईयर वाले जो होते हैं वो स्पेसिफिकली म्यूज़िक के लिए ही बनाए जाते हैं, म्यूज़िक के लिए ही होते हैं, कॉलिंग का जस्ट एक फ़ीचर जो है एक एज एन ऑप्शन ऐड कर दिया जाता है। अब स्पेसिफिकली अगर आपको किसी को कॉलिंग के लिए चाहिए तो इस तरह के मोनो हेडसेट्स आते हैं जिसमें कि नॉइज़ कैंसलेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। हालांकि आप ड्यूअल भी ले सकते हो, ये मोनो है, आप दोनों के लिए भी ले सकते हो, जो थोड़ा महंगे वाले आते हैं एयरपोर्ट्स के जैसे एयरडॉट्स वगैरह, सो उसमें म्यूज़िक क्वालिटी भी अच्छी होगी और साथ ही में उसमें आपको कॉलिंग की जो चीज़ें हैं नॉइज़ कैंसलेशन जो आस मतलब बहुत बढ़िया कॉल आएगी आपको, जो कॉलिंग जो है आपकी बहुत बढ़िया कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें कॉल की जो ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, इसमें म्यूज़िक की ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, इसमें कॉल की ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सामने वाले को भी साफ़ सुनाई देता है, आपको भी साफ़ सुनाई देगा, फ़र्क सिर्फ इतना है आपको अपनी आवाज़ भी इसमें साफ सुनाई देगी। सो ये रीज़न है प्राइस का यहाँ से यहाँ आने का जो मुझे लगता है। और एक और बात जो है वो बहुत ही ज़रूरी बात, वो ये है जब आप, मैं रिव्यूज़ देखता हूँ ऑनलाइन, यार किसी के प्रोडक्ट अच्छा है, नो डाउट कि ये है वो है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन रिव्यूज़ कई बार बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, मतलब यू नो 1-2 स्टार, कनेक्टिविटी नहीं है, साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, म्यूज़िक का वो नहीं, बेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स क्यों होती हैं, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के जो हेडफोन्स नेक बैंड्स या फिर इन ईयर ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स जो जितने भी आते हैं या फिर आप वायर्ड वाले भी समझ लो,
सो उनके साथ होता क्या है कि वो उनका आउटपुट अच्छा होता है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है. फॉर एग्जांपल मैं अच्छे वालों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि इसकी बात कर रहा हूँ. तो सोनी में क्या है, इसमें इसका ऑडियो जो है बहुत ही अच्छा है. म्यूज़िक में भी, कॉल में तो खैर मैं बता ही चुका हूँ, म्यूज़िक में बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी इसकी है. बेस बहुत अच्छा है, मिड लोज यू नो हाईज वोकल्स आर वेरी क्लियर, मतलब यू नो वाकई में अच्छा है. बेस भी पंची है. लेकिन वो कैसे, वो ऐसे मेरे पास है ये आईफोन. ओके, सो ये है आईफोन 11. अब इसके साथ जब मैं इसे सुनता हूँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मतलब बेस जो साउंड की जो क्वालिटी आती है, और ऊपर से इसमें मैं जब वो इक्वलाइजर्स वगैरह वो जो करते हैं लगा लेते हैं तो ज़बरदस्त है, ब्लास्ट. सो उस वहाँ पे पैसा वसूल हो जाता है. लेकिन जब मैं इसे 10,000 के एंड्रॉयड के फ़ोन या 15,000 के एंड्रॉयड फ़ोन या फिर यू नो 25,000 मिड सेगमेंट के फ़ोन के साथ में जब मैंने इसे पेयर करके सुना तो क्वालिटी में डिफरेंस आया. हालांकि चीज़ वही है लेकिन आपका दूसरा डिवाइस तो वो नहीं है, वो नीचे का है. सो कहने का मतलब ये है, जितना अच्छा आप डिवाइस ये मतलब सुनने के लिए आप ले रहे हो, कोई भी हेडफोन या एयरफोन, उतना ही अच्छे डिवाइस के साथ जितना आप कनेक्ट करोगे उतना ही अच्छा आउटपुट आपको आने वाला है. ये फैक्ट है. आप आईफोन 11 के साथ इसे सुनो, अलग ही फीलिंग है. आप किसी भी सैमसंग या फिर जो भी अदर ब्रांड्स आते हैं एंड्रॉइड्स के, किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन के साथ में आप इसे सुनो, अलग ही फील आने वाली है. लेकिन अगर आप इसे सुनोगे 10,000 15,000 20,000 25,000 वाले फ़ोन के साथ में तो फिर थोड़ा सा आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. सो जो लोग बिल्कुल ही नीचे वाले डिवाइसेस के साथ सुनते हैं उनको सबसे ज़्यादा कंप्लेंट रह जाती हैं. वो इसीलिए क्योंकि चाहे वो ये ब्रांड हो, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो नेक बैंड हो, चाहे कुछ भी बैंड हो, सो उसमें दिक्कत कोई नहीं है प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट गुड है लेकिन आप डिवाइस कौन सा यूज़ कर रहे हो वो मैटर करता है. दूसरा मैंने जो पहले बताया था, एक चीज़ और पहले बताई थी, आप जो ले रहे हो वो दूसरे को देख के ले रहे हो नहीं, अपने डिसीजन पे लो कि आपको कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, आपको क्या समझ आ रहा है. और एक और चीज़ जो मैंने बताई कि आप किस पर्पज़ से ले रहे हो, आपका पर्पज़ क्लियर होना चाहिए, आपको किस चीज़ के लिए चाहिए वो. क्योंकि अगर आपने दूसरे यूज़ के हिसाब से वो चीज़ ले ली तो फिर आप आपके लिए वो बुरी होने वाली है. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए जब आप कुछ चीज़ें खरीदते हो. क्योंकि कंपनी तो देखो वो चीज़ें प्रमोट करती हैं जो उनके सामान में है. जैसे कि इसके बॉक्स पे आप देख सकोगे तो टाइम है जो बैटरी का वो लिखा है 35 घंटे. वाकई में होगा, बिल्कुल अच्छी बैटरी है, चार्ज जल्दी हो जाएगी. अब इसके टाइप सी केबल इसके साथ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है. और दूसरे ब्रांड्स में इस रेंज में नहीं आती है. सो जो अच्छी चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं. अब जो कमियाँ वो तो नहीं लिखी हुई ना, कंपनी क्यों बताएगी एकदम से सामने. हर चीज़ में, हर प्रोडक्ट में अच्छाइयाँ भी होंगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी खामियाँ भी होंगी. मतलब प्रोज एंड कॉन्स ये रहेंगे हमेशा. ऐसा क्यों, उसका बहुत ही सिंपल और बेसिक रीज़न है. अगर आपको एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको सब कुछ अगर कंपनी बना करके लगा करके दे देगी तो बाकी के प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, बाकी के मॉडल्स कहाँ जाएंगे. तो एक ही सामान बेच रही होगी ना कंपनी. तो सिंपल सी है यार, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. देखो और दूसरी चीज़ ये भी है कि हर इंसान, हर यूज़र के एक अलग अपनी उसका चॉइस होता है, हर अलग टेस्ट होता है. तो उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाती हैं. एक ही चीज़ में आपको सब कुछ मिल जाए ऐसा अभी तक तो मैंने नहीं देखा है. तो वही चीज़ है. तो आपको किस पर्पज़ के लिए हेडफोन या क्या चाहिए, गेमिंग के लिए अलग है, हिसाब किताब है, क्योंकि वहाँ पे आपको डीले आएगा ऑडियो में. इसमें भी बहुत ही माइनर 9 सेकंड्स में मैंने, गेमिंग में तो नहीं बट यूट्यूब वगैरह स्ट्रीम करते हुए मैंने बहुत ही 9 सेकंड्स के अंदर मैंने डीले देखा है. तो दैट इज़ द थिंग्स कि जो आपको जब आप धीरे धीरे चीज़ें यूज़ करते हो तब आपको पता चलती हैं, अच्छा यार उसने ये तो नहीं बताई थी, अच्छा उसने ये नहीं बताई थी. ये जब आप चीज़ें यूज़ करोगे फिर आपको लगेगा यार ये तो. सो इसीलिए सजेशन लो, चीज़ें आपको जिस हिसाब से चाहिए खुद लो. देखो मार्केट में सामान है, आपकी जेब में पैसा है, बाय वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय मैन, पर अपने हिसाब से. ओके, सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन जरूर दबाना. अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट तो करो यार, शेयर करो यार. ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए चाओ चाओ.